हेलो दोस्तों, हमारा वीडियो पार्ट सेकंड आ गया है और आप लोग जाइए हमारे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, हमारे भाई बोल रहे हैं। तुम भी कुछ बिल्कुल भैया बिल्कुल, आप इनको सब्सक्राइब करिए और जो है इनका जो है आगे बढ़ाइए वीडियो और जो है प्रसिद्ध कीजिए, देश में, समाज में, क्षेत्र में, गांव में, देहात हो या शहर हो, कोई भी हो, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना कतई ना भूले भैया। आगे आप लोग को वीडियो पहुँचती रहेगी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हर बात में उंगली और कैमरामैन अजीत पांडे के साथ हम स्वयं अखिलेश पांडे। आइए पूछते हैं कोरोना वायरस के बारे में। सामने से महाशय आ रहे हैं, पहले इनसे हम पूछते हैं। आइए, क्या चल रहा है सर कोरोना वायरस के बारे में? भाग जाना तब मार के। बच्चों को ज्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है, चल जाना तब मार। इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। आइए हम फिर से बात करते हैं अपने गाँव। तो आइए आपको मिलवाते हैं गरीब बच्चों से। पैंट वेंट सब फटा हुआ है। ए पत्रकार, तुम्हें गरीब दिखाता है, तुम्हें खरीदे भर के औकात रखेगा, समझते हैं? आप नाराज मत होइए, काफी आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं, काफी आक्रोश में, लेकिन आप लोग घबराइए मत। हम इनसे जरूर पूछेंगे कोरोना वायरस के बारे में कि इनको लाभ हुआ या हानि हुआ। जी बताइए, कोरोना वायरस के बारे में आपको क्या मालूम है? पत्रकार साहब, जैसे दिखल जाए लाभ कत बतिया छोड़ा, हानि तो इतना भइल बा कि जान थवा कि एक महीना गेहूं बराबर कट ली। हानि बहुत हुआ है और बोले एक महीना गेहूं लगातार काटे, मजा इनको आया नहीं है कोरोना वायरस में। पापा इनके बहुत परेशान थे। अरे तो गेहूं कट ली ओकर बाद की बात हो है, लेकिन जान थवा कोरोना वायरस एक त्यौहार हो गई बाय। बताइए, बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस एक त्यौहार है, बहुत अच्छा। हम तो हम सब जितने बैठे हैं, हाँ मैंने हम जब जितना बैठे। अच्छा, मैं इनके पास चलता हूँ। आप बताइए कि आप कोरोना वायरस के बारे में क्या जानते हैं? आपको अच्छा लगता है कोरोना वायरस? बहुत अच्छा लगता है। हम तो चाहते हैं बाबू साहब कि कोरोना वायरस हर साल आए। बताइए, यहाँ जनता मर रही है कोरोना वायरस से, ये महाशय बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस हर बार है। बताइए, अच्छा फिर से बताइए, क्या बताएं, काली क्या है? अच्छे मूछ भी आपकी अच्छी है, ठीक है। फिर से बताइए, आपको कोरोना वायरस कैसा लगता है? हमको कोरोना वायरस बहुत बढ़िया लगता है। हाँ। लेकिन बाबू बात की बाय कि यह खाई ले पिए, लेकिन इनका सांसद बधान गोहूँ जो गल गई ना कोरोना वायरस बाय बीमारी। हाँ। और कमात रही बहरे। हाँ। अब आइए घरे, अब कोरोना वायरस से हमें कोनो हानि ना आई बाय। तो फिर से आप कमाने जाएंगे कि गाँव में रहेंगे? ना ही गाँव, सोचा। जी बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भैया हम कुछ कह, थोड़ा 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 तेज बोलिए कैमरे में। देखिए, कहने का मतलब भैया हमारा ये है, इतना तेज मत बोलिए यार कि हम पर दिमाग। हम तो भैया पत्रकार हैं, बहुत मारेंगे अभी तुम्हारा दिमाग। देखिए, हम आपके बगल में जो बैठा बच्चा, इससे बात करना चाहेंगे। तो जी बताइए, आप बताइए, आपको कोरोना वायरस कैसा लगता है? मजा आता है सुनने में? एकदम बहुत अच्छा लगता है देखने में। ऐसा प्रतीक होता है कि हर दिन इतवार ही इतवार है। अच्छा बताइए, मतलब जब से कोरोना वायरस लॉकडाउन लगा हुआ है, तब से आपने अपने खेत का काम किया है कि नहीं किया है? अरे बहुत करते हैं, धान भी काटे हैं, गेहूँ भी काटे हैं, क्या करें, बारिश भी मार डाल रही है। अब पीएम जी से कैसा बताइए, मतलब आप स्कूल जाना चाहते हैं कि ऐसे कोरोना वायरस में काम करना चाहते हैं? नहीं, हम तो सोचते हैं स्कूल खुले कोरोना वायरस में, स्कूल खुलवाना नहीं चाहते हैं। आप यही देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें खेत में काम करने में बहुत मजा आता है। जी, तो आइए फिर से हम पूछते हैं कि मतलब कितना मजा आता है जब से त्योहार चालू हुआ है कोरोना वायरस, आपको कितना अच्छा लगता है? इनको ये तो बोल रहे त्योहार है ये। अरे सब मेरे दोस्त हैं और कोरोना वायरस, हम तो सोचते हैं कि साल में 10 बार आए और थोड़ा त्योहार, बच्चे खेल भी खेल कूदते हैं। नाराज मत होइए यार, अरे थोड़ा दूर से ये मीटर दूरी। ठीक ठीक, बताइए फिर से बताइए। हमको भाई बहुत अच्छा लगता है कोरोना वायरस, हम तो सोचते ही हैं साल में 10 बार आए और छुट्टी तो रोज ही हो रही है। अच्छा अच्छा, आप बताइए लाल गमछा अपने कंधे पे क्यों रखते हैं ज्यादा? इसलिए हम रखते हैं कि भैया हम राम भक्त हैं। बरोबर। हाँ। अयोध्या के राम भक्त हैं। बोलता है। तो काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है बच्चों में। ये बीच वाले भैया जो है बहुत नाराज हो रहे हैं। दिमाग खराब भाई, भैया तो हार दिमाग खराब, यहाँ से चल जाना तब बहुत मारा बाबा तू है। अब देखिए, मारा पत्रकार बनल बट्टा तू, मारा मारी वाली बात मत कर, मारा मारी वाली बात कब से दिमाग हमारा खराब की हो? अभी तो हम आए, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ बस, इतना जान लो ना, खैर नहीं तुम्हारा दौड़ा दौड़ा के मारेंगे चौराहे पे।
काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। कैमरामैन यहाँ से जाना चाहते हैं और काफी भयभीत लग रहे हैं कैमरामैन। हमको कोई डर नहीं है, हम जानते हैं कि मारेंगे नहीं, लाल गमछे वाले हैं। मार के चल जा, बस अपने जान ही लेना, तुम्हारा बखैर ना ही। काफी बेइज्जती कर रहे हैं हमारा, बेइज्जती करत बाटी हो जनता, आप देख लीजिए ये काफी बेइज्जती कर रहे हैं हमारा। तो हम इनसे पूछना फिर एक बार चलेंगे इनके पास, भले हम एक थप्पड़ खा जाएंगे लेकिन फिर इनके पास चलेंगे, हम पूछेंगे कोरोना वाले। ज्यादा आक्रोश है भाई साहब। तो कैमरामैन अजीत पांडे के साथ हम अखिलेश पांडे स्वयं, चलिए आपको दूसरे वीडियो में मिलते हैं, दूसरे से मिलवाएंगे। धन्यवाद।